अक्सर बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती है, लेकिन हम लोग उनको रोज़ ये चीज़ें नहीं खिला सकते हैं। हफ्ता 10 दिन में तो कोई बात नहीं, लेकिन अर्पण को ऐसे कुछ खाना था और आस्था ने उसके लिए बासी रोटी से एक डिश ट्राई की और उसकी ये फेवरेट बन गई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ इसी डिश को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ ये हमारी भी फेवरेट बन गई और ये बनाया उसने। जो बासी रोटी हम लोग की बच जाती है खाने से, एक या दो रोटी, उसी से उसने चाउमीन बनाए और ये इतने अच्छे बने कि अर्पण के फेवरेट हो गए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में सबके लिए ऐसी रोटी से चाउमीन बनाने वाली हूँ और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये वाली डिश सबके लिए ब्रेकफास्ट के लिए बनाई, तो 7 से 8 रोटी मैंने एक्स्ट्रा बना दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रोटी एक्स्ट्रा बनती नहीं है, मुझे ये डिश बनानी थी तो मैंने 7 से 8 रोटी ली है। और साथ में लिए मैंने सब्जियाँ, 2 प्याज 1 गाजर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च और टमाटर। तो फ्रेंड्स, सब्जी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च जरूरी है क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम रोटियों को काट लेंगे और देखिए, रोटियों को मैंने इस तरह से काटा है, लेकिन रोटियों को अगर हम चाकू से काटें तो वो अच्छी नहीं कटती है। मैं सब आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको सीजर से काटा है, तो किचन सीजर नहीं है मेरे पास, मैंने सिलाई वाले सीजर से ही काटा है और एक साइज में कटती है जैसे हमारी चाउमीन होती है, और देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है। अगर रोटियां ऐसे कटे मोटा पतला तो अच्छा नहीं लगता है, जब एक शेप में हो जैसे चाउमीन होती है, मैगी होती है, तो देखने के लिए काफी अच्छी लगती है। और खाने से पहले हम लोग मुंह से खाने से पहले हम लोग आंखों से खाते हैं, तो कोई भी चीज अगर देखने में अच्छी लगे तो बच्चे उस पर खाने के लिए भी खुश होते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से सीजर से कट रहा है। अब मैं इसी रोटी को पूरी तरह इसी तरह से काट लूंगी सीजर से, और लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी मैं कि चाकू से किस तरह कट रहे हैं। सीजर से जब काटते हैं तो फोल्ड कर काटती हूँ मैं इनको, और 2 से 3 रोटी एक साथ कट भी जाती है और आराम से कटता है इससे, फटाफट से ये काम मेरा हो गया था। मैं आप लोग को काट कर दिखा रही हूँ, और चाकू वैसे मेरा छोटा है, अगर बड़ा चाकू हो फिर भी चाकू से एक शेप में नहीं कटते हैं, कहीं से मोटा कहीं से पतला कट रहा है, तो देखने में अच्छे नहीं होते हैं। और सीजर से देखिए तो दोनों में कितना फर्क है। मैंने चाकू से सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए काटा, बाकी मैंने सारी रोटी इसी तरह से सीजर से काट ली थी। और सीजर चाकू का दोनों का फर्क बहुत ज्यादा होता है, और जैसे दिखता है वो कटता है तो वैसे बनता भी है। ये चाउमीन जैसे कट रहे थे पतले पतले लंबे लंबे और बराबर साइज के कट रहे थे, उससे ये बहुत अच्छे दिखते हैं। अभी मेरे यहाँ पर सारी रोटियां कट गई है और देखिए कितने अच्छे नूडल्स जैसे लग रहे हैं। ये बासी रोटी से है, आप लोग फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रात को ये रोटी बनाकर रख दी थी एक्स्ट्रा और ब्रेकफास्ट में बनाया। अभी यहाँ पर मैंने सब्जियां हैं वो काट ली हैं, तो सब्जी हम खूब सारी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन सिर्फ शिमला मिर्च इसमें जरूर डालना, क्योंकि शिमला मिर्च के इसमें अपना अलग ही फ्लेवर आता है। अब मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और इसको हम रिफाइंड तेल, सरसों के तेल, कुछ में भी बना सकते हैं, लेकिन रोटियां हैं तो मैं बनाऊंगी देसी घी में। रोटी के साथ कोई भी डिश हो तो घी का अलग ही स्वाद आता है। अभी यहाँ पर मेरा घी गर्म हो गया है, तो प्याज डालूंगी मैं। प्याज मैंने थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ा सा प्याज मैं बचा लूंगी, क्योंकि इसको तो मैंने अच्छे से ब्राउन करना है, लेकिन जो बाकी सब्जियां इनको मैंने हाफ फ्राई करनी है 2 से 3 मिनट। हल्की हल्की सब्जियां कच्ची होंगी तो अच्छी लगेंगी, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च, गाजर और ज्यादा सब्जियां नहीं लिए मैंने जिनको पकाना पड़े इतना, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां कच्ची हो तो अलग स्वाद आता है। पत्ता गोभी नहीं था मेरे पास, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं इसमें। प्याज मेरा यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है, इसके बाद मैं टमाटर डालूंगी, और टमाटर को तो अच्छी तरह से पकाऊंगी, नहीं तो मुंह में आते तो बच्चे खाते नहीं है। बाकी सब्जियों को तो हाफ फ्राई करना है तो उनको बाद में करूंगी मैं। और टमाटर को मैंने 2-3 मिनट यहाँ पर फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक और मिर्ची। नमक डालने से जल्दी गल जाएंगे इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ, और नमक हम पूरा डाल देंगे जो हमें जितने चाउमीन में, मतलब रोटी, हमारी रोटी और सब्जी देखकर उस हिसाब से मैंने नमक कम नहीं डाला, पूरा जितना मुझे चाहिए था वहाँ पर मैंने एक साथ ही डाल दिया था। और साथ में डाल दी मैंने लाल मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें काटकर हरी मिर्ची भी डाली है। और अगर आप लोग के बच्चे छोटे हैं तो हरी मिर्ची को आप लोग हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो मुंह में आती है, मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो छांट लेते हैं, इसलिए मैं लंबी लंबी काट के डालती हूँ कि फ्लेवर भी छूट जाए और बच्चे साइड भी कर ले। टमाटर मेरे यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं, उसके बाद अब मैं इसमें डाल लूंगी जो मैंने सब्जियां रखी थी, तो सारी सब्जियों को मैं एक साथ डालूंगी और 2 से 3 मिनट यहाँ पर पका लूंगी। ज्यादा मैंने इसको कुक नहीं करना है, तो बस इनका जो कच्चापन है वो हल्का सा हट जाएगा। और हल्दी पाउडर नहीं डालना है इसमें, हल्दी डालने के बाद यहाँ पर ये सब्जी के जैसे दिखता है। तो कलर के लिए डालूंगी इसमें मैं सोया सॉस, और चाउमीन में हम भी सोया सॉस डालते हैं, तो सोया सॉस और थोड़ा सा मैं व्हाइट विनेगर डालूंगी, क्योंकि इसमें पूरा चाउमीन वाला फ्लेवर आएगा उससे। और सॉस अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा और डालती तो अच्छा होता, लेकिन मेरा सॉस इतना ही था, पूरा खत्म हो गया था, तो हल्का सा कलर इसमें कम आया। और अभी डाल दिया मैंने इसमें व्हाइट विनेगर, तो इनको अच्छे से मिला लूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं मैगी मसाला। मैगी मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो हम लोग के मार्केट में एक्स्ट्रा पैकेट आता है 5 रुपए वाला, वो मैंने डाला था।
और सारा मसाला यहाँ पर मिलने के बाद अब डालूंगी मैं इसमें रोटी। तो जो मैंने रोटी साइड पर काट के रखी थी तो वो डालूंगी। कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ रहा है। और सब्जी भी हम लोग अगर ऐसे बनाए तो बहुत अच्छी बनती है, बच्चे खा लेते हैं इसमें रोटी। अब मैं इसमें सारा मिला लेती हूँ और ये देखिए कलर इसका थोड़ा सा कम आया, क्योंकि सोया सॉस मैंने बताया कि खत्म हो गया था मेरा, उतना ही था। अगर सोया सॉस थोड़ा सा और होता तो ज्यादा डार्क होता और टेस्ट में ये बहुत अच्छा होता है। मैंने बताया कि आस्था ने ये बनाया था बस अर्पण के लिए और ये उसका फेवरेट बन गया। तो अर्पण कब से बोल रहा था कि मम्मी इस रेसिपी को शेयर करो, सबको बहुत पसंद आएगा, सब बच्चे बहुत खाएंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार शेयर कर लेती हूँ। तो खाने में सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, हम लोग को भी पसंद आया बच्चों के साथ। और आज तो मैंने आपने देखा कि सिर्फ रेसिपी के लिए नहीं, मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये रेसिपी बना रखी है। तो चलिए आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना। और वैसे हर एक आदमी घर में अलग अलग रेसिपी बनाता है, तो रोटी से आप बताना कौन सी।